गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और गाइस, पलक गई है नहाने और मैंने इतनी डस्टिंग कर दी है। और पलक आएगी जब हम खाना खाएंगे साथ में बैठ के, क्योंकि उसका छुट्टी है, उसकी छुट्टी है, उसका छुट्टी नहीं, उसकी छुट्टी है। और उसका 28 तारीख को पेपर है, इस वजह से तो उसकी छुट्टी चल रही है। तो पीयूष स्कूल गया है, वो भी रो रो के आज, क्योंकि पलक की छुट्टी है तो उसको करनी थी छुट्टी। उसको ये था कि स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही, मुझे छुट्टी कराओ। मेरी ट्यूशन वाली मैडम ने बोला है, मेरे को स्कूल वाली मैडम ने बोला छुट्टी कर लो, इतना बेकार है। आज उसने उठने में पूरा 1.5 घंटा लगा दिया। अभी उठ रहा हूँ, 5 मिनट करके फिर इसके पापा गए उस कमरे में, उन्होंने डांटा, जब जाके वो तैयार होके गया है शांति से। वरना आज उसका पूरा पूरा छुट्टी का प्लान था। कल शाम से उसने छुट्टी 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 रटर लगा रखी थी, जो उसकी छुट्टी हो नहीं पाई, उसका मिशन कंप्लीट नहीं हुआ। क्या कर सकते हैं, आएगा ना जो जूझल पीटेगा। इसकी छुट्टी नहीं हुई आज। अभी मैं आया हूँ छत पे पौधों में पानी देने के लिए। मम्मी ने भेजा पौधों में पानी दिया, तो मैं फ़ोन उठा लाया क्योंकि मैं फ़ोन ही चला रहा था स्कूल से आने के बाद। और शायद शायद ना मेरी ट्यूशन की छुट्टी है, क्योंकि पहले तो चुप हो जा, क्योंकि मैंने बोला मम्मी स्कूल मत भेजो, कल मैम सुबह बुलाएंगी, क्योंकि मैम कह रही थी पेपर की तैयारी कर लो। तो मम्मी कह रही नहीं, ये नहीं, वो नहीं, तू जा, तू पढ़ता है नहीं घर पे, बोलो पढ़ लूँगा। मम्मी ने मानी नहीं, मम्मी ने स्कूल भेजा, मैम ने सुबह बुलाया। मम्मी ने मैम को मैसेज कर रखा है कि ईशान शाम को आ सकता है, अभी तक मैम को मैसेज नहीं आया। काश ना आए तो मेरी छुट्टी हो जाएगी, मज़ा ही आ जाएगा। अब फटाफट से मैं पौधों में पानी दे देता हूँ, फिर आपसे मिलते हैं। चलो मैं आपको भी दिखा देता हूँ पौधों में पानी कैसे देते हैं, हाथों से देते हैं। ये रहा हमारा हाथ, ये रही बाल्टी। अब दे के दिखाता हूँ पौधे अपने। यार ये जब तक नीचे थे ना, तब तक ये सूखे नहीं, छत पे आने के बाद यार ये सूख गए। मम्मी भी कह रही थी और मुझे भी लग रहा है, जब तक ये नीचे रहे तब तक सूखे नहीं। इसमें भी बाढ़ दो पानी। अरे यार ये गंदी गंदी आवाजें निकाल रही है पाद की, इन दोनों में तो वैसे थोड़ा चीज थोड़ा ही है। जा, मैंने सब पौधों में पानी दे दिया है, प्लांट्स में पानी दे दिया। और मैं इस बाल्टी को उठा देता हूँ, वरना मम्मी मेरे मारेगी, कहेगी बाल्टी फेंक के आता है। क्योंकि वैसे मैंने अभी तक जितनी बाल्टियाँ, ये 2 मग्गे तोड़ दिए, दो बाल्टी तोड़ दी। शौक नहीं है ये सामान तोड़ने का, पता है क्यों टूट गए? अब पहली बात तो मम्मी लाई थी छोटी बाल्टी थी इतनी सी, इनमें पानी देने के लिए क्रिकेट खेलते हुए बच्चे मैंने बुला ली उस दिन, भैड़ भैड़ इतनी तेज बोल दे के मारी बाल्टी उस दिन। सॉरी वो तो फुटबॉल से टूटी थी, फुटबॉल की किक मारी वो बाल्टी पे आके लगी, बाल्टी टूट गई, हमने छुपा दी वहाँ पे, और मम्मी ने देख ली। फिर मम्मी ने पूछा, तो भाई मैंने बोल दिया मम्मी मैंने तोड़ी है सॉरी मग्गे। एक बाल्टी तो मैक तोड़ के चले गया था, तोड़ के क्या खराब ही कर दी थी। मतलब उसे ना बाल्टी मग्गों से ज़्यादा शौक होता था खेलने का, बॉल से ज़्यादा। यूँ मग्गा फेंक दूँ ना मग्गे के पीछे भाग जाता, बाल्टी फेंक दूँ बाल्टी के, क्योंकि उसमें से आवाज़ आती थी छन 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 छन। चलो नीचे चलते, वैसे ना आज बादल बड़े प्यारे हो रहे हैं और सूरज भी ऑसम, वाओ। देखो सूरज निकल रहा है, इधर बादल, इधर बादल, और बीच में से सूरज। देखो भाई जी सा आगे का थी स्वाद। यार ये कील में अटक जाता बार बार, ये वाला झंडा निकाल दिया। अबे भगवान इधर भी अटक गया। अबे भगवान मींस अरे भगवान। अभी जाके अब ना पढ़ ही लेता हूँ कहीं, क्योंकि कल मेरा जीके का एग्जाम है, फिर कंप्यूटर, मुझे जीके भी पढ़नी है। तो पहले जाके जीके की करंट अफेयर करेंगे, फिर रिवाइज करेंगे जितने भी चैप्टर आ रहे हैं सबको। फिर मैडम सोती रहती हैं क्या, इनको उठा भी दिया करो और पंखा बंद करो, लाइट जलाओ। ओके दीदी जल्दी उठ जाओ, फिर आपको उस पर रील भी बनानी है। जल्दी ये लाइट अंदर। एप्पल एप्पल रेड रेड एप्पल, वेरी वेरी स्वीट एप्पल। दीदी का मन बच, दीदी का बचपन से सपना था कि ये इस वाले गाने पे रील बनाए, है ना? कह रही है हाँ अभी बनाऊंगी। और मम्मी का सपना था, देखो आज येल्लो पेन रखा है तो येल्लो येल्लो बनाना, वेरी वेरी स्वीट बनाना।
गाइस अभी पलक मेरे से लड़ाई कर रही थी। क्यों कर रही थी आपको बताऊं? क्यों कर रही थी बताऊं? पलक कह रही मम्मी मेरे को एक सूट दे दो अपना, फिर उसकी वही डिमांड। मैंने कह दिया नहीं देना नहीं देना नहीं देना, मेरे पास खुद पे नहीं है गाइस अभी सूट। मैं सोच रही थोड़ी सी गर्मी स्टार्ट हो, वैसे गर्मी स्टार्ट हो चुकी है पर मेरा जाना नहीं हो रहा। मैं एक दो दिन में बाजार के चक्कर लगाऊंगी और मैं दो तीन सूट लेके आऊँगी अपने लिए, क्योंकि मेरे सूट सारे लद्दड़ हो चुके हैं। आजकल मैं सूट पहनती हूँ ना तो सूट लाने पड़ेंगे। और पलक कह रही हूँ जो नए लाओगी उनमें से दे दियो, इनमें से नहीं दे रही तो इनमें से नहीं, नए चाहिए अब तो, नए चाहिए। देखो मैं कुछ भी लेके आऊँ कुछ भी। गाइस आपको ऐसा लगता होगा ना मेरे को ये मोबाइल पकड़ना नहीं आता, मेरा बेटा अच्छे से पकड़ लेता है, मुझे नहीं आता सही बताऊँ तो। मेरा बेटा ऐसा पता नहीं कैसे बोलता है, बहुत अच्छे से बोलता है और मैं पकड़ती हूँ मुझसे नहीं पकड़ जाता। मेरा तो हाथ ऐसा लगता है जैसे निकल के बाहर आ जाएगा, तो मैं अपने सहारा लेके पकड़ती हूँ। तो मैं क्या कहती कि सूट मैं पलक को किसी हालत में भी नहीं दूंगी। हर बार यही होता है, सूट के पीछे हमारे घर में लड़ाई होती है क्योंकि इसका मेरा नाप एक ही है, चप्पल का नाप एक ही है, तो ये मेरी चीज़ों को छीन लेती है तो मैं नहीं दूंगी। लाऊंगी जरूर, पड़ा आजकल मैं बस कोई दिन जा रहा है बाजार का चक्कर लगने वाला है, तो मैं सोच रही हूँ आज जाऊँ कल जाऊँ, थक जाती हूँ गाइस मैं। अब मेरे बस की नहीं, बाजार जाती हूँ ना उस दिन मेरी एड़ी में दर्द आ जाता है, तो मैं बाजार के आजकल कम चक्कर मारती हूँ। और पलक से मैंने कह दिया है मैं नहीं दूंगी तो नहीं दूंगी। हाँ ये पहन सकती मैं है, पर मैं इसलिए नहीं देती क्योंकि ये टाइट करा लेती है, टाइट कराएगी तो मैं किसी हालत में नहीं दूंगी। अगर ये टाइट नहीं कराएगी, प्रॉमिस करेगी मैं टाइट नहीं कराऊंगी, ऐसे ही पहन लूंगी तो मैं इसको नहीं, मैं टाइट भी कराऊंगी और मैं नया सूट लूंगी भी। क्या करेगी? टाइट भी कराऊंगी और नया भी लूंगी। तो नहीं मिलेगा इसको, मिलेगा ये सपने ही देखती रहेगी फिर। अगर ये टाइट नहीं कराएगी तो मैं इसको दे दूंगी अपना पहनने के लिए, नहीं तो नहीं दूंगी किसी हालत में नहीं दूंगी। अभी है ना पीयूष के कपड़े यहाँ पड़े थे और मैं ले जाके उसके बिस्तरों पे डाल आई, क्योंकि वो मेरे कमरे को गंदा करते रहते हैं। तो मैंने सोचा कि उसके कपड़े मैं उसके बिस्तरों पे डाली आती हूँ, जब भी उसको अक्ल आएगी रोज़ रोज़ मेरे कमरे में आके पैंट वहाँ, कोट वहाँ, शर्ट वहाँ, जुराब वहाँ, बेल्ट वहाँ, आई कार्ड वहाँ। तो मैंने सोचा अब ये ट्रिक सब रोज़ करा करूँगी मैं, क्या पता फिर उसको सीख जाए कपड़ों को सही जगह रखना। बिल्कुल नहीं रखता। अभी ट्यूशन स्कूल से आके उसने एक पजामा पहना, उस पजामे को फेंक के ट्यूशन गया, जब दूसरा पजामा पहन के गया, एक एक मिनट में कपड़े बदलता है, ऊपर से फेंक के उड़ जाता है। तो मैंने सोच लिया है अब जब भी वो फेंकेगा कपड़ों को मैं उसके बिस्तरों पे रखूंगी, अपना आप सही जगह पे रखेगा। और इन दीदी का तो क्या कहना है, दीदी लैपटॉप के आगे बैठी रहती है, पढ़ रही हैं कि नहीं पढ़ रही हैं ये दीदी को ही पता है, हमको नहीं पता है, हम इतनी दूर बैठा है। अब दीदी के दो तीन पेपर बचे हैं, तो तीन पेपर देने के बाद ये रिजल्ट आएगा, जब पता लगेगा कि दीदी का रिजल्ट क्या आया है, फेल या पास, दो ही चीज़ हो सकती है। एक सब्जेक्ट की दिक्कत आ सकती है, एक सब्जेक्ट की दिक्कत बता रही है दीदी। अगर इसकी एक सब्जेक्ट की दिक्कत आई तो गाइस मैं आपके सामने करी, मैं इसका गला दबा दूँगी, दबा दूँ बता देना बस आप, दबा देंगे और क्या है, जो बच्चा पास ही नहीं होना चाहता। मैं कह रही हूँ पढ़ पढ़ पढ़, मुझे पढ़ाई चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। मैंने अपने बच्चों से कह रखा है मुझे पढ़ाई चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, और इनको समझ में कम आता है दोनों को, समझा समझा के मैं थक चुकी हूँ। क्योंकि इसके पापा जी कभी नहीं कहते पढ़ लो, ओनली मैं ही बोलूँगी पढ़ने के लिए, और उनकी और मेरी इसी बात पर बिगड़ जाती है डेली, कि वो कभी नहीं कहते। वो तो पता क्या कहेंगे, आज मेरे पास बैठ जा, आज मेरे पास बैठ जा, दोनों को कभी ये नहीं कहते बेटा किताब लेके बैठो, कहना चाहिए ना गाइस। जितना माँ का फर्ज है उतना बाप का भी फर्ज होता है ना। हमारी तो पीछे पड़ी रहती है, मम्मी का और काम ही क्या है, इसीलिए मम्मी बुरी लगती है, क्योंकि मम्मी देखती हैं तो बोलेंगी, पापा देखते नहीं है तो बोलेंगे नहीं। पापा सुबह गए शाम को घर में घुसते हैं तो पापा को क्या पता, पापा की भी गलती नहीं है इसमें। अच्छा। पर माँ जब देखेगी तो बोलेगी ना, माँ का फ़र्ज है ना। अच्छा। मैं देखती रहती हूँ तो बोलूँगी ना, मेरा फ़र्ज है ना। पर इनको समझ में नहीं आती पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। गाइस मेरी शादी की सालगिरह आ रही है दो तीन दिन बाद, और मैं इन बच्चों के पेपरों की वजह से अपनी शादी की सालगिरह भी अच्छे से सेलिब्रेट नहीं कर पा रही। मैंने कुछ सोचा था, मैंने अपने हस्बैंड के लिए मेरे लिए, वो मैं कर नहीं पाऊँगी क्योंकि मैं छोड़ के इनको जा नहीं सकती इस टाइम, क्योंकि इनके पेपर हैं, ये पढ़े ना पढ़े पीछे से मुझे टेंशन रहती है। अगर ये पढ़ेंगे तो भी मुझे टेंशन, नहीं पढ़ेंगे तो भी मुझे टेंशन, मुझे ये रहेगा ये नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि मैं बहमण हूँ। बहमण का कोई इलाज नहीं होता, मेरा नाम है बहमण, इसके पापा कहते हैं मैं बहमण हूँ। बहमण आप जानते हो क्या होता है? जिसको बहम रहता है, जिसको बहम रहता है करने के बाद भी, करने के बाद भी कि हाँ ये काम हुआ है कि नहीं हुआ, तो मुझे रहता है नहीं हुआ, तो इसके पापा मुझे बोलते हैं भैमण है तू भैमण। मैं 10 बार एक चीज़ को चेक भी करती हूँ, मेरी आदतें ख़राब। तो मैंने सोचा था कुछ, तो अभी कैंसिल है वो, दो तीन चीज़ें सोची थी, दो तीन चीज़ें कैंसिल हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ में अगर मैं हाथ देती हूँ इस टाइम, यानी कि कोई भी काम मैं करती हूँ
तो बच्चों की पढ़ाई पे सब ज़्यादा फर्क पड़ेगा, क्योंकि इनके लास्ट पेपर चल रहे हैं पलक दीदी के और पीयूष भैया के स्टार्ट हैं उस दिन से, जिस दिन मेरी शादी की सालगिरह है, तो इसलिए कुछ नहीं कर सकते, घर में ही सेलिब्रेट करना ही जायज बात है, घर में ही सेलिब्रेट करेंगे और क्या कर सकते हैं हम, कुछ नहीं कर सकते हम। क्या दे रही है पलो? क्या बोला था पलक तूने? बोलियो। मैंने बोला था कि देखो मेरी मम्मी मना कर रही है। मैंने कब मना करी? गाइस मैं ना थोड़ी इज्जत से रहती हूँ, फोन के आगे तो मेरी इज्जत बनी रहने दो, वरना सबको पता चल जाएगा मैं कंजर हूँ। क्या बोल रही है तू अपने को? मैं कह रही हूँ कि मेरी फोन के आगे थोड़ी सी इतनी सी तो इज्जत है, वो इतनी बनी रहने दो, वरना सबको पता चल जाएगा कि मैं कंजर हूँ। इसलिए मैं अपना असली रूप फोन के आगे नहीं दिखाना चाहती, बिना फोन के मेरा असली रूप देखा करो कि मैं कितनी पागल हूँ। फोन क्यों सुने रहे पे? अभी भिड़ने वाली है इस लड़के से, बिना मतलब छेड़ रही है, अभी ट्यूशन से आया है और लड़ाई होने वाली है, बस कोई देर जा रही है कोई देर जा रही है, लड़ाई चालू होने वाली है, महायुद्ध ऐसे कर रहा, मुक्का मारेगा, नहीं मुक्का मारेगा। बीच मेरा बर्थडे आ रहा है, चल गिफ्ट लेके आ। ओ कुत्ते, चीर ठीक है, आते हैं ये मुझे चोंक के मारता है। गाइस इसने सही में थप्पड़ मार दिया इस लड़की के, इसने सही में थप्पड़ मारे, ये पिटेगा बहुत बुरी तरह, अरे भाग रहा है छोटा इंसान, भाग क्यों रहा है? दीदी और मेरी भिड़ने के बाद मैं छत पे आ चुका हूँ, मुझे लगा था कि आज ट्यूशन की छुट्टी है, पर आज ट्यूशन की छुट्टी नहीं थी, मैम ने बुला लिया था, और लड़ाई होने के बाद मैं छत पे आ गया, वो मैं नीचे नहीं जाऊँगा अंधेरा होने तक, जब तक यहाँ पे रह सकता हूँ, क्योंकि उनने पहले बोल दिया नीचे आते तेरे मारूंगी, अब जब तक यहाँ पे रह सकते तब तक रहेंगे, कल सुबह तक यहीं पे खाट बिछा के सो जाएंगे अपन, क्या पता वो छत पे आ जाए, पर वो पकड़ नहीं पाएंगे मुझे छत पे भी, जैसे यहाँ से आई ना मैं यहाँ से भाग जाऊँगा सीधा बड़ी स्पीड में, मैं इस पर चढ़ जाऊँगा, यहाँ से यहाँ पे कूद जाऊँगा, वो कूद ही नहीं पाएंगी चढ़ने के बाद, क्योंकि उन्हें डर लगता है, और यहाँ से हमारा काम है डेली का कूदना, क्योंकि हम चोर है ना, इसलिए मैं कूदता रहता हूँ कहीं से भी, चोर हूँ ना, चोर है ना। तो यार कितना तगड़ा मौसम हो रहा है, वाओ, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ, देखो हवा नहीं है पर बिल्कुल मंदी मंदी हवा चल रही है, और मौसम तो एकदम कति जहर, मुझे पता मैंने गलत मारा, और पता मैंने क्यों मारा, कल रात का बदला ले लिया बड़े किया ना, अब दीदी देखेगी ना वीडियो डालती हुई कि उसने मेरे कल रात को बदला, कल रात के ने मुझे बहुत मार दिए थे, फिर मम्मी ने बोला मत मार छोड़ दे, बहन है ये है वो है, वो तो मुझे याद आ गई थी फोन चलाते हुए, हल्का सा छेड़ने दे दूंगा यार, पर मैंने ज़्यादा दे दिया, मुझे बुरा लग रहा है, मैं सॉरी बोल रही हूँ, कहीं तुम धमकी तो दे दी, चलो दीदी दीदी सॉरी अब नहीं करूँगा, एक मार लो, एक मार लो, लो मम्मी पकड़ना, बेल्ट दे दो, ब्लैक कलर से मार मार लो प्लीज, मुझे बुरा लगा देख के, मैं चुपचाप पर घर के बाहर चली जाऊंगा। इसने अपनी बहन को मारा है इसलिए अब ये पिटना चाहता है, मुझे ना बुरा लगा, मैंने बोला मार लो आप मुझे, फिर मारा ही क्यों तूने जब बुरा लगा तो? कल रात का मतलब निकाल लियो, चल झूठा वो ऐसा नहीं मारती, आपको नहीं पता मैं कैसी है, मैं पिटता हूं, तू पिटता है, तू पिटता तो सुधर जाता, बकवास करता है, ऐसे मारते अपनी बहन को जैसे तूने मारा है, बतामीज भाई, इतनी बुरी तरह लड़ते हैं ना, इतनी बुरी तरह लड़ते हैं, आपके बच्चे भी लड़ते हैं क्या? चलो ठीक है, आज मैंने मार दी, मैंने अपनी सारी गलती मान ली, उस दिन आप कहां गए? मम्मी ने कैमरा बंद कर दिया, कह रही मत बोल,
को उस दिन जब मम्मी कहाँ थी जब इनने मेरे बाल पकड़ के इसी दीवार में इसी टाइम पे यहाँ पे दिया था। जब मम्मी कसम उस दिन मैं बेहोश होते होते बच गया था। उस दिन यूं मारा मैं, ये लाइट बंद करके चली गई और मैं यहीं पे पड़ा रहा हूँ पूरे 5 मिनट। इतनी जोर का दर्द हुआ, मैंने मम्मी को जाके बोला मम्मी मेरे सर में दर्द हो रही है। मम्मी ने बोला मेरे हो रहा है, तो मम्मी ने बोला कुछ नहीं होता तू भी तो मारता है। उस दिन मैंने नहीं मारा, उस दिन मैं चुप रहा। उस दिन जिस दिन इन्हें मारा ना मैं तो लड़ने के बाद बात भी भूल जाता हूँ। ये तो पता नहीं पता है। अरे बस ना, बात ना हुई। चलो ठीक है, चलो ठीक है मैं आपकी सारी बात मान लू। जैसे इन्हें मैंने मार दी मैं भूल जाऊंगा कि इन्हें मैंने मारी भी थी, और जैसे मैंने आज इनके मार दी ना आज भी मारेंगी 5-6 दिन बाद एक और बारी आके मारेंगी, कहेंगी तूने मेरे उस दिन मारी थी ना, मुझे याद ही नहीं रहता कम मारी थी। बात खत्म, अब सॉरी बोल, उनको बोल दे मैंने मोल दी वो मारेगी प्लीज। मैं नहीं बोल रही कुछ भी, अब नहीं बोलूंगी। मैं जा रहा हूँ, जा चला जाना छोड़ के। अब मैं परसों आऊंगा, परसों तो क्या पता बात भूल जाए। बाय गाइस। So guys, आजकल लोग ही भी एंड करते हैं। डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। बाय।